व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं एक रिएक्शन, वो रिएक्शन है KGF 1 सीन। हाँ, वो KGF एक कन्नड़ मूवी का एक ना सीन है और बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उस पे आज मैं करने वाला हूँ रिएक्शन। देखते हैं भैया उस सीन में ऐसा क्या है। सुना है कि बहुत इमोशनल है और बहुत ही अच्छा है, तो आज हम देखेंगे कि उस सीन में ऐसा है क्या और हमें इमोशनल वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, देखते हैं दोस्तों। पर मैंने सुना है मैक्सिमम कि वो सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन उस सीन के ऊपर, फिर बातें करते हैं कि भैया मतलब सच में इमोशनल है कि नहीं है। अगर इमोशनल हुआ तो भाई मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो KGF, ये पहले मैंने ट्रेलर देखा नहीं है, बट अभी आपके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक तो कर देना दोस्तों। उससे पहले एक डिसिप्लिन की जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ दोस्तों, अगर नॉट अगर आप जाओ जल्दी से वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, इस तरह मेरी ना वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। क्या हुआ सोना, व्हाट इज हैपेंड? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट इडियट। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, मेरे बाजू में बैठा है। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच भी कैसे लिया? तो पता लग रही है ऐसा कुछ हो रहा। चार लोगों को क्या मार लिया, खुद को हीरो समझने लगा? वह कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी, जो इलिटरेट ब्रूट। हेल मैन, अरे गाड़ी निकल, ए जान गए कर रहे, ए निकल ले बे। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और इसकी मतलब क्लिप्स रह रही है, तो बीच लोग रुक गया सारे के सारे ना, क्या हुआ होगा। मदर इमोशनल सीन, अब ना मदर का इमोशनल सीन होगा कुछ ऐसा ना, कुछ तो है। बन क्यों होता ना, खाने वाला बन होता है, साफ कर रहा है, पता नहीं क्या चीज। 8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था, थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। दोस्तों ये क्लिप थी, दोस्तों ये क्लिप थी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल ये क्लिप है। और मैं दोस्तों सच बोलूं मतलब रोंगटे खड़े हो गए ये क्लिप देख के, वीडियो देख के, मतलब मां से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। वो बंदा बताता है कि यार एक पाव की कीमत क्या होती है, मतलब बोलते हैं 7 नब पॉलिश करता था जूते तो उसके बाद 1 पाव मिलता था, और वो
जमीन में गिरे पाव को वो लेडी अपने बच्चे को उठाया हुआ था और वो देख के तड़प रही है, लोग जा रहे हैं, तो उसने दूर से देख लिया और लड़की का बातें सुन रहा और उसको अपना टाइम याद आ गया कि जब उसकी माँ उसको छोड़ गई तो कितनी मुसीबत से वो मतलब कि सर्वाइव किया उसने अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ याद आ गई ना, तो इसलिए उसने सब कुछ रोका। डॉन बन गया होगा आई थिंक, गन वगैरह थी तो स्टोरी मुझे नहीं पता है, बट ये बहुत इमोशनल सीन था और उसने बताया कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता दोस्तों, ये दिस अ फैक्ट, और अपनी मदर को सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए दोस्तों, कभी भी उनको अपने से दूर नहीं रखना चाहिए और ना ही उनके साथ बुरा करना चाहिए। तो लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, बहुत इमोशनल थी और मैं बहुत इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, हिंदी में कैसे बोलते हैं, चलो लास्ट में